चलो लेट स्टार्ट चैप्टर फाइव के ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स मार्केट अ प्लेस। अरे नहीं, ओल्ड टर्म्स में मार्केट मतलब एक प्लेस होती थी जहां बायर्स एंड सेलर्स मिलके कोई ट्रांजैक्शन करते थे लेकिन आजकल तो इंटरनेट पे भी परचेज और सेल हो जाती है तो नेसेसरीली मार्केट डज नॉट मीन्स ओनली अ प्लेस कहीं पर भी जहां परचेज और सेल हो जाए वही मार्केट है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल इन परफेक्ट पूरे मार्केट में एक ही सिंगल प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आप अलग प्राइस कोट नहीं कर सकते एज अ सेलर ओके थर्ड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर इज बोथ फॉर्म एंड इंडस्ट्री ऐसा कब होता है यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं आपके इधर तो फिर फॉर्म और इंडस्ट्री तो अलग अलग हो गए ना मोनोपोली में ऐसा होता है कि एक ही सिंगल सेलर है इसलिए फॉर्म और इंडस्ट्री एक ही है तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर इज बोथ फॉर्म एंड इंडस्ट्री इज फॉल्स फोर्थ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स प्योर कॉम्पिटिशन भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स प्योर कॉम्पिटिशन जबकि प्योर कॉम्पिटिशन एक पार्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स लिए थे और उसमें सिर्फ चार ही फीचर्स थे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स प्योर कॉम्पिटिशन कहना रॉन्ग होगा प्योर कॉम्पिटिशन कम्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहना राइट right होगा सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स प्योर कॉम्पिटिशन फॉल्स

परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज आइडियल बट नो रियल मार्केट सिचुएशन हाँ सच में ऐसा होता नहीं है कि सब जने सेम ही प्राइस पे बेच रहे हैं ओके यूनिफॉर्म प्राइस होती नहीं है Haan, तो ऑल दो आइडियल बट नॉट रियल देन अगेन ट्रांसपोर्ट नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट या सब सब मार्केट्स इक्वली डिस्टेंट है ऐसा भी होता नहीं है ऑल प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली होमोजीनियस ऐसा भी होता नहीं है Perfect knowledge, जो हम features या पढ़े थे, perfect competition की perfect knowledge of buyers and sellers, ऐसा भी होता नहीं है। कई लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं होती यूनिफॉर्म प्राइस होता नहीं नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता नहीं जनरली थोड़ा ही थोड़ा बहुत ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो पर होता तो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन सो हम ये बोलेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियल बट नॉट रियल मार्केट सिचुएशन ट्रू नेक्स्ट देर इज नो एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेवलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन तो परफेक्ट कंपटीशन में हम ये मान ही रहे हैं कि ट्रैवलिंग कॉस्ट होती नहीं है सब मार्केट्स इक्वल डिस्टेंस पे है मार्केट से सब प्रोड्यूसर्स uh, या फॉर्म्स तो इक्वल डिस्टेंस पे तो हम यही मान लेते हैं कि नो ट्रैवलिंग कॉस्ट नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन सो द स्टेटमेंट इज ओके एट सिंगल सेलर कैन influence कर ही नहीं सकता Market industry price decide करती है और वो seller को follow करनी पड़ती है सेलर इज द प्राइस टेकर तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आंसर इज फॉल्स नेक्स्ट प्रोडक्ट इज होमोजीनियस अंडर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होमोजीनियस एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल सिमिलर सेम सेम मतलब दे दे आर आर टोटली आइडेंटिकल टू ईच अदर और ये होता है हम मानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि होमोजीनियस प्रोडक्ट एक फीचर है जो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आगे की ट्रू एंड फॉल्स करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में